जैसा कि आप लोगों को विदित है, भारतीय जनता पार्टी का ये चुनावी वर्ष चल रहा है। हम भिन्न भिन्न राज्यों में अपनी नीचे स्थानीय इकाई, मंडल की इकाई, फिर जिले की इकाई और ऐसे प्रदेश की इकाई बनाने की प्रक्रिया में है। आज उसी प्रक्रिया के तहत अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय इकाई, मंडल इकाई और जिले के चुनाव के बाद प्रदेश का चुनाव संपन्न हुआ है और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में श्री बीआर वाघे जी का नाम सर्वसम्मति से सारे इलेक्टोरेट के साथ बातचीत करके तय हुआ है। और बीआर वाघे जी पार्टी के युवा मोर्चे के अध्यक्ष रहे, दो बार जनरल सेक्रेटरी रहे, उपाध्यक्ष रहे, विधायक भी हैं। पार्टी को जो अरुणाचल प्रदेश में जब 10-12 लोग होते थे तब से पार्टी के साथ काम करते करते आज इस स्थिति में आए कि पार्टी ने इनको प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नवाजा है। यही भारतीय जनता पार्टी की खासियत है। यहाँ बूथ पर काम करने वाला कार्यकर्ता प्रदेश का अध्यक्ष हो सकता है, पोस्टर चिपकाने वाला कार्यकर्ता देश का अध्यक्ष हो सकता है और चाय बनाने वाला बालक एक दिन देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। यहाँ परिवारवाद से नहीं चलती। यही पार्टी में डिफरेंस है। पार्टी कार्यकर्ता की ऊर्जा, कमिटमेंट, मेहनत और विचारधारा के आधार पर चलती है, किसी व्यक्ति के हिसाब से नहीं चलती। उसके तहत आज अरुणाचल प्रदेश में पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कृतसंकल्पित हमारे श्री बीआर वाघे अध्यक्ष चुने गए हैं। सबसे पहले तो आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ आज के एक्सप्रेस बाइक पे। जैसे कि मैंने कहा अभी पहले कि इस पार्टी को मैंने बहुत सालों से काम करते हुए आप लोगों को देखा है, आप लोग प्रेस वाला तो है ही यहाँ पर, और आज उसी का नतीजा है कि हमारे हाईकमान ने हमारे पार्टी का जो हमारे पार्टी जो है हमें देख करके ये आज का जो प्रेसिडेंशियल भी चुना है। मैं ऑर्गेनाइजेशन का आदमी हूँ तो सबसे पहले हमारा संगठन ठीक होना चाहिए और संगठन ठीक करने के लिए मेरा ख्याल से अभी मुझे कोई खास काम करने के लिए जरूरत नहीं है। संगठन अभी ऑलरेडी मेरा ख्याल से बहुत ठीक है। सर अभी बीजेपी का कितना मेंबर है अरुणाचल प्रदेश में? मेंबरशिप हमारा 2 लाख से ऊपर है। मतलब पार्टी ग्रोथ हो रहा है और पार्टी ग्रोथ होना मेरा ख्याल से खराब बात नहीं, अच्छा है। इसमें हम लोग तो खुश है कि अभी परिवार बढ़ रहा है तो उसको संभाल के लेके जाने में बस हम लोगों को थोड़ा सा अच्छा से काम करके लेके जाने से हो जाएगा। कॉम्प्लेन सुना जाता है कि जिसने बीजेपी को अरुणाचल में इतना पराग किया अभी सरकार बना गया, लेकिन गवर्नमेंट में ओरिजिनल बीजेपी वाला का अभी पार्टिसिपेंस बहुत कम है, अब क्या कहना चाहिए इसके बारे में? नहीं, इसमें ऐसा है कि हम पुराना नया कभी कभी सोचते हैं, लेकिन इसमें ये मतलब नहीं कि पुराना हर एक कार्यकर्ता ही सब पद में रहना चाहिए, ऐसा भी नहीं। जो अच्छे लोग हैं, जो काम अच्छा कर सकते हैं, उनको भी आगे बढ़ाना चाहिए और पुराना लोग भी साथ में चलने से ठीक है। पुराना नया नहीं, बल्कि जिस तरह अभी मैंने कहा है कि परिवार भर गया तो ग्रोथ जब होता है तो उसको हमको सबको लेके चलना पड़ेगा।